हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। काफ़ी टाइम से के बाद आपसे रूबरू। तो आज संडे का दिन और अनदर डे विद टॉमी। टॉमी अभी छत पे लाया हुआ मैंने, तो मौसम कुछ ऐसा लग रहा था कि आज क्लाउडी है। तो लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आया तो हवा तो चल रही है लेकिन धूप थोड़ी सी आ गई है। तो अभी धूप दोबारा से थोड़ी सी हल्की सी ओझल हुई है बादलों के पीछे। तो ये नज़ारा देखें जी आप, व्यू देखें आप, क्या ज़बरदस्त है। खुला आसमां और ये बादल, और ब्लू ब्लू बादल, और साथ में आगे पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी का माहौल। और ये देखें जी, हमारे यहाँ पे जो भी कनक की खेती लगी थी ना, ऑलमोस्ट वो पक गई है। तो तैयारी लगी हुई है, काफ़ी लोग जो हैं नियर बाय उन्होंने कटवा भी ली है। हमारी भी ये नीचे लगी है, ये जो आपको येलो दिख रही है, येलो तो नहीं कह सकते, कनक वंगा रंग कह सकते हैं, जैसे कनक होती है वैसे ही दिख रही है। तो जो भाई जिनको पता होगा कनक के बारे में, वीट के बारे में, उनको तो पता है कि ये पक गई है। तो अभी हम भी एक आध दिन में इसको कटवाना स्टार्ट करवा देंगे। तो जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ ग्रीनरी है, और जो पक गई है कनक वहाँ पे थोड़ा सा कलर उसका अलग है। तो ये देखें जी हमारे छत का नज़ारा, और ये देखें यहाँ पे मैंने मिस कर दिया सुबह, हमारे नियर भाई हैं उन्होंने वो लाई हुई थी कटाई की बड़ी मशीन, क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन के क्या कंबाइन ऐसे करके कुछ बोलते हैं, नाम नहीं मुझे आता उसका। तो वो उससे ये है कि जो इसका तूड़ी होती है कनक की वो वेस्ट हो जाती है, दाने जो हैं वो आ जाते हैं। तो एक ही बार में वन गो में वो काम इनका ख़त्म हो जाता है। तो अभी देखते हैं जी हमारा टोमी किधर गया है, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। टोमी 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 आ जा, आ गया 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 आ गया। वन, ये देख, रुक रुक जा रुक जा, ये देखो जी, हेलो हेलो, इधर देख इधर 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 देख, यहाँ बैठे। ये देखो जी, हम आपको मिलवाते हैं टोमी से। टोमी ये ले, इधर देख इधर देख इधर देख, ये ले ये, हाँ ऐसे 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 देख, ये देखो जी टोमी, देख ले, ये तो नहीं देख रहा इसको, हम इधर टर्न हो जाते हैं। ये देखो जी, फिर चला गया वो, फिर चला गया चक्कर लगाने, कहता जी मैं छत पे आया हूँ घूमने के लिए तो मैं बैठूंगा नहीं एक जगह। तो और आप सुनाएं अपने मिजाज कि आपके वहाँ क्या हाल चाल चल रहा है। देखो जी हमारे यहाँ कनक भी पक गई है और आम बबे बूर भी बह गए, और बूर के साथ अंबियाँ भी बह गई हैं। और ये देखें जी नीचे एक और पेड़ है हमारा आम का, वहाँ भी लग गई हैं अंबियाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे बंदा रूटीन में चले ना, जैसे मैं वीडियो रूटीन में बनाता रहूँ ऐसी वाली, तो फिर बंदा यूज्ड टू हो जाता है उसको, मतलब ऑटोमेटिकली बात करना आता है कि क्या बोल रहे हैं, मतलब जो भी बोलना होता है वो रूटीन में बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब काफ़ी टाइम के बाद करूँ, जैसे मैं, मुझे लगता है कि आई थिंक 1 महीने के करीब हो गया है मुझे ऐसे आपसे रूबरू हुए, वीडियो कोई अपलोड किए हुए, तो थोड़ा सा ना समझ नहीं आता कि क्या बोलें क्या ना बोलें। तो इसमें बोलना क्या है जी, यही जो बातें जैसे हम करते हैं वैसे करनी है, जैसे हम एक दूसरे से बातें बायलैटरल टॉक करते हैं वैसे ही ये समझ लें कि ये हमारी बायलैटरल तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जो जो वीडियो मेरे भाई देखेंगे वो कितनी तादाद में होंगे, और मैं यहाँ एक साइड पे, मैं एक साइड पे, मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो होंगे। तो एनी हो, तो आज मौसम लगता है कि आज बारिश का कुछ मिजाज है, बारिश आएगी। ये देखें जी ये पीछे बादल मेरे नहीं दिख रहे आपको, हाँ नहीं दिख रहे, चलो आप व्यू का ही मज़ा लें। तो अच्छा एक चीज़ मुझे बताना कि ऐसा व्यू किस
किस किस के घर से दिखता है, छत से, मतलब छत पे जब आप खड़े होते हैं तो ऐसा व्यू, मतलब दूर तक, जैसे वो दूर तक मतलब नज़र लगा हो आप, ऐसे खेत ही खेत हों और खुला आसमान। ये देखो बादल, हाँ अब दिखाई दे रहे होंगे बादल आपको, ये देखें ये बादल, ऐसे ऐसे ऐसा व्यू किस किस को दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे ये देखें जी, एक और हमारा मेहमान, ये देखें ये चिड़िया, ये हमने अमन ज़माने में टावर लगाया था वाईफाई के लिए BSNL का, तो BSNL वालों की, भारतीय संचार निगम की बहुत बहुत शुक्रिया कि टावर तो लगाया था, हमारे पैसे भी खर्च करवा दिए, लेकिन ये काम नहीं आया, जैसा कहा था उन्होंने वैसा हुआ नहीं। तो चलो ये चिड़िया बैठने के काम तो आया, चिड़िया को एक हाईएस्ट पॉइंट मिल गया बैठने के लिए, तो ये भी नज़ारे ले रही है। चलो BSNL का ये, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू BSNL कि उनकी वजह से ये लगा टावर, तो चिड़िया को बैठने का ऊंची जगह पे मौका मिल गया। तो चलो खैर, कोई ना कोई, हर कोई चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाती, किसी ना किसी ने काम तो आती है। जैसे ये हमने जो पाइप लगाई थी उसके लिए सिग्नल के लिए, BSNL के फाइबर के सिग्नल के लिए, तो ये आज चिड़िया के बैठने के काम आई है। अब तो चिड़िया उड़ गई है जी, ये देखें उड़ गई है चिड़िया। तो खैर टोमी जी हमारे वहाँ देखें पीछे, ये देखें वो कहाँ गया, वो पीछे खड़ा है, तो ये रोड साइड देख रहा है कि वहाँ पे क्या हलचल हो रही है। अब आपको ले चलता हूँ मैं दूसरी साइड, दूसरे कोने पे, तो वहाँ से देखें जी नज़ारा। तो यहाँ हमने बैसाखी वाले दिन यहाँ झंडा लगाया था, लेकिन ये कल आंधी चली काफ़ी रात को, तो झंडा पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ये देखें जी ये नज़ारा, यहाँ ये नीचे ये देखें आप, कनक तकरीबन पक गई है, तो अब इसकी भी कटाई स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बाद कनक के बाद फिर धान की खेती लगेगी, मक्की लगेगी। तो जिन जिन को धान पसंद है वो मुझे बताना किस किस को धान पसंद है, और किन किन उन्होंने अपने खेतों में वो लगाई है, और मक्की किस किस को पसंद है वो भी बताना मुझे। मक्की का तो हम यहाँ तो मक्की बोलते हैं, नहीं तो तकरीबन लोग उसे भुट्टा बोलते हैं, मतलब जैसे हमारी स्टेट को छोड़ के, हमारी यूटी को छोड़ के जो बाहर वाली स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली हो गई, पंजाब, पंजाब का तो मुझे पता नहीं, दिल्ली में तो भुट्टा बोलते हैं और यूपी में भी भुट्टा ही बोलते हैं। अब तो हमारा भी यहाँ मिक्सचर हो गया है, काफ़ी स्टेट से लोग यहाँ भी रहते हैं, तो कोई कुछ तो यहाँ भी भुट्टा ही बोलते हैं, तो हम तो मक्की बोलते हैं। और हम जो हमारी अपनी भाषा है ना लोकल, उसको वो तो हम इसको बोलते हैं खुम, तो खुम तो यहाँ बोलते हैं लोग, जो मशरूम होती है ना उसको बोलते हैं खुम, लेकिन हम खुम में, हम खुम बोलते हैं इस मक्की को। तो खुम कौन कौन बोलता है वो भी मुझे बताना, आपकी भाषा में, आपकी लोकल भाषा में अगर इसको खुम बोलते हैं तो वो कमेंट करके बताना जी हम खुम बोलते हैं, और आप कहाँ से हैं वो भी बता देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा, मैं भी कोरिलेट करूँगा आपसे कि भाई हम खुम बोलते हैं, खुम बोलने वाले और भी लोग काफ़ी हैं। तो खैर मौसम आज वाकई मतलब डिफरेंट सा है, एक डिफरेंट फीलिंग वाला मौसम है, कि मतलब बीच में धूप भी आ जाती है और बीच में बादल के आगे भी धूप आ जाती है, मतलब कि शेडो हो जाती है थोड़ी। और ये देखें जी नज़ारा, वैसे एक बात है खुले एरिया का नज़ारा ही अलग होता है। अब हवा भी यहाँ मस्त चलती है, तो हवा आपको कैसे पता चलेगा कि हवा चल रही है, क्योंकि हवा दिखती तो है नहीं। अब ये देखें जो झंडे लगे हुए हैं हमारे, झंडे हिल रहे हैं, इसका मतलब हवा जो है वो चल रही है यहाँ पे, आपके वहाँ भी चलती होगी। और इस समय धूप भी है, मौसम ठंडा भी है, और देखें चिड़ियों की आवाज़ भी यहाँ आ रही है, चिड़िया जो होती हैं चिड़िया की आवाज़ भी आती है यहाँ पे। तो ये मौसम अब तो धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ेगी, क्योंकि ये कनकें, जो कनक है ये पक गई है, तो उसका मतलब कि गर्मी स्टार्ट होना हो शुरू हो गई है। तो ये देखें जी गर्मी स्टार्ट होना शुरू हो गई है यहाँ पे। मुझे याद आया मैंने
कल ही एक गाना डाला था, कौन सा, हाँ ए हवा मेरे संग संग चल। तो हवा कहाँ चलती है किसी के साथ, हमें ही हवा के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि कुदरत का नज़ारा है, कुदरत की देन है, हमें ही उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, वो हमारे नहीं करते, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कहाँ पर जो कोई फॉलो करेगा। तो कुदरत के रंग हैं जी, कभी धूप कभी छाँव, धूप आ गई है, अब ये देखें जी धूप आ गई। वैसे एक बात है कि धूप से ना मतलब क्लैरिटी बड़ी दिखती है, मज़ा आ जाता है। अभी तो वैसे खैर बादल हैं, तो बादलों से थोड़ा जो दूर दूर तक विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। हाँ ये है कि जो यहाँ से हमारे वैष्णो देवी की जो त्रिकुटा पर्वत हैं वो कभी कभी दिखते हैं, अभी नहीं दिख रहे क्योंकि वहाँ पे शायद या तो बारिश हो रही होगी तो या धुंध होगी। बस बिल्कुल झंडे के बिल्कुल पीछे जो आपको OHD दिख रहा है, ओवर हेड टैंक दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर जूम हुआ तो, जूम नहीं, कांट जूम, जूम नहीं हो सकता, वीडियो में नहीं होता जूम। तो वहाँ पे बिल्कुल पीछे वहाँ पे वैष्णो देवी का दरबार है, माता रानी का दरबार, तो अभी वो विजिबिलिटी नहीं है। तो ये देखो जी टॉमी आ गया हमारा, टॉमी शायद, टॉमी को धूप लग रही है तो कह रहा होगा कि नीचे चलो, तो हम भी चलते हैं अब नीचे क्योंकि धूप हो गई है तेज़। तो ये बेचारा कहाँ, धूप लगेगी उसको, प्यास भी लगेगी उसको, तो हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के उसको पानी वगैरह देते हैं, तो उसको अपनी जगह पे जो है वो बैठाते हैं। तो और सुनाएं आप अपना हाल चाल। तो हाँ एक चीज, एक बात और, कि अगर आपको मेरी वीडियो कुछ लगती है, कुछ कमी लगती है, तो आप मुझे प्लीज़ बता दिया करें कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाऊं या क्या है, क्योंकि वैसे तो कुछ भी कहो चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कुछ कि नीड सम इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो मुझे बता देना, बंदा हाजिर है, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, हमारा क्या है, हमने तो बस वीडियो बनानी है, तो वो वीडियो बशर्ते वो वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो इसलिए आप कमेंट कर देना कि क्या चाहिए आपको, सॉरी क्या चाहिए नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, तो वो बता देना। बाकी खुला एरिया है, खुला आसमान है, आप मेरे साथ आप भी नज़ारे लें, मज़े लें आप भी, तो यहाँ तो चलो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हमारे पास ये खुला एरिया है, गांव है, तो जहाँ नज़र देखो वहाँ हरियाली हरियाली दिखती है, दूर तक नज़र जाती है। तो सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो होती है वो भी लिमिटेड होती है, तो वहाँ पर ऐसा नज़ारा नहीं होता। तो फिर भी खुला एरिया सभी को अच्छा लगता है, तो जिनको जिन जिन को भी खुला एरिया अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट करना और मुझे बोलना कि भाई भैया भाई आज दोबारा से एक वीडियो बनाओ ओपन एरिया की, ताकि मैं आपके दिल को खुश कर सकूं। खुशी ही सब कुछ है, मेरी हो या आपकी, आप खुश होंगे तो मैं भी खुश होऊंगा, तो आप सब भाई खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, फिर मिलेंगे। तो आप काइंडली कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और क्या क्या चाहिए। हाँ टॉपिक बेस्ड चाहिए होंगी तो वो भी बता देना, आई विल ट्राई टू डू माय टू बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ओर से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये जूम तो नहीं होगा सर, ये देखो जी ये हमारे आम का पेड़ है, तो आम जो हैं लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी तो छोटे छोटे हैं खैर, तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये देखो जी। और हाँ एक चीज़ और दिखाना, मैं बताना आपको भूल गया जी, ये जो पेड़ है ना इसको मुझे लगता है शायद पाम ट्री बोलते हैं, तो इसके ऊपर वाला जहाँ पे ग्रीन पोर्शन है ना, जहाँ से वो स्टेम्स निकली हैं उसकी, वहाँ पे जी पैरट्स हैं, वहाँ पे पैरट्स रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो बड़े भी हैं, तो वहाँ से निकल के जाते हैं घूमने को जो उनके पेरेंट्स हैं, तो फिर वापस आते हैं, उनके लिए खाना वगैरह लाते हैं, तो मज़े लेते हैं वो भी
पेरेंट्स भी उनके और बच्चे भी। तो इसी के साथ बाय बाय, जय श्री राम, मिलेंगे दोबारा आपसे जल्दी। तो